टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप। इंपॉर्टेंट है, ऐसे दो टॉपिक हैं, एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ लिक्विड ड्रॉप और दूसरा टॉपिक है एक्सेस प्रेशर इनसाइड अ सोप बबल। इसको बॉक्स में डाल लें, कई लोगों को पता ही नहीं लगता क्या पूछा भाई। ध्यान से, ड्रॉप है तो आंसर कुछ और है, बबल है तो आंसर कुछ और है। ठीक, तो सबसे पहले करते हैं ड्रॉप। एक्सेस प्रेशर होता क्या है इसको समझ लें। एक्सेस प्रेशर है, मान लो आपके पास एक बबल है, चलो बबल ले लेते हैं, कुछ भी एग्जांपल ले लो, बबल और ड्रॉप में कोई फर्क नहीं है, बस कॉन्सेप्ट तो यही है। अगर एक आपने बबल फुला लिया, इस बबल को एटमॉस्फेरिक प्रेशर दबाने की कोशिश कर रहा है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर चाहता है कि बबल हर तरफ से दब जाए, दब जाए। अब ठीक है, वो चाहेगा कि इसको दबा देना है। सरफेस टेंशन क्या चाहती है? सरफेस टेंशन चाहती है इसका एरिया छोटा हो जाए, ये फिर दब जाए। अब दब दब के क्या होगा? दबता 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 वैनिश, गायब हो गया। ऐसा तो नहीं होता, बबल हवा में उड़ते हैं, टिके भी रहते हैं। और अगर बबल अगर वैनिश होगा तो ड्रॉप का क्या होगा? पानी का, मतलब पानी का ड्रॉप बना, फिर ऐसे ऐसे छोटा छोटा एटमॉस्फेयर दबा के गायब ही कर दिया, ऐसा थोड़ा ना होगा। होगा क्या, इसके अंदर जो एयर है वो एक प्रेशर डेवलप कर लाएगी, कर जाएगी पी इनसाइड। बंद है ना एयर, तो आप दबाओगे तो प्रेशर डेवलप होगा पी इनसाइड, जिसकी डायरेक्शन कैसी होगी? आउटवर्ड। अब समझने वाली बात ये है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या चाह रहा है ये दबा दें इसे, सरफेस टेंशन का प्रेशर क्या चाह रहा है दबा दें इसे, छोटा कर दें, लेकिन कौन इसको बचा रहा है? प्रेशर इनसाइड का। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्या होगा, ये सारे प्रेशर्स आपस में इक्वेट करेंगे, यही कॉन्सेप्ट है। तो एक्सेस प्रेशर है जो इस एयर का अंदर का प्रेशर है, इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दें, ये जो डिफरेंस आएगा इसे बोलते हैं एक्सेस प्रेशर। जैसे गॉज प्रेशर नहीं था, एयर का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर गॉज प्रेशर, ऐसी इनसाइड का प्रेशर जो एयर का है उसमें से बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को माइनस कर दें, वो फालतू प्रेशर है, ये क्वेश्चन है। तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि क्या है ये कॉन्सेप्ट, एक्सेस प्रेशर क्या चीज़ है। एक्सेस प्रेशर हम फोर्स से नहीं निकालेंगे, हम एनर्जी से निकालेंगे। देखो दो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन सॉल्व करने के, फोर्स है एनर्जी, फोर्स से थोड़ा बड़ा है, काफ़ी बड़ा है। एनर्जी से दो लाइन का काम है, एनर्जी से कैसे, इमेजिन करो आपके पास एक ड्रॉप है, अब मैं क्या ले रहा हूँ, लिक्विड का ड्रॉप है, पानी से भरा हुआ है, ध्यान आगे, इसके अंदर एक ड्रॉप है जिसका रेडियस कैपिटल आर है, और सिग्मा का मतलब इसकी सरफेस टेंशन है, पी का मतलब एक्सेस प्रेशर है, ध्यान से पी का मतलब यहाँ पर एक्सेस प्रेशर है, एक्सेस प्रेशर का मतलब अंदर का प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको नेट प्रेशर बोलते हैं। तो एक्सेस प्रेशर कितना है, पी है, जिस जो इसका डिफरेंस है। अब ये कैसे एक्ट करेगा प्रेशर पी, नॉर्मल टू दी सरफेस 90 डिग्री पे एक्ट करेगा इस ड्रॉप के। अब मान लो ये प्रेशर एक्ट हुआ, और मान लो एक मिनट के लिए इस प्रेशर ने रेडियस आर को डी आर इंक्रीज कर दिया, इमेजिन करना है किया नहीं, मुझे मालूम है कि वो छोटा ही करने वाला है, इमेजिन कर लो कि वर्क डन हुआ और इस एक्सेस प्रेशर ने क्या किया, वर्क डन कर दिया और रेडियस आर को आर प्लस डी आर कर दिया। तो कितना वर्क डन किया इस एक्सेस प्रेशर ने, जो फोर्स लगाई वो कितनी लगाई, प्रेशर इनटू सरफेस एरिया, और कितनी डिस्प्लेसमेंट की, डी आर डिस्प्लेसमेंट कर दी, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इतना वर्क डन किया। और वो वर्क डन जो किया वो सरफेस एनर्जी की फॉर्म में रिलीज, मतलब जो है उसमें स्टोर हो गया बॉडी में, इन दी फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हमने डेफिनेशन की थी कि अगर मैं कोई वर्क डन करता हूँ तो एनर्जी स्टोर की फॉर्म में आ जाता है। वो एनर्जी स्टोर निकलती कैसे है, आज हमने की सिग्मा इंटू डेल्टा ए, अब डेल्टा ए कितना हुआ, नया एरिया माइनस पुराना एरिया। तो हमने ये मान लिया कि एक्सेस प्रेशर ने अगर इतना वर्क डन करके एरिया को बढ़ाया तो एरिया बढ़ाने में इतना वर्क डन लगा, तो इतनी एनर्जी स्टोर हो गई, ये मैंने वर्क डन किया, ये एनर्जी स्टोर हो गई इन द फॉर्म ऑफ सरफेस टेंशन या सरफेस एनर्जी। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? एक तरफ मैंने वर्क डन किया, एक तरफ एनर्जी स्टोर निकाल ली। इसे ओपन करो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी, फोर पाई को इससे 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 मल्टीप्लाई करके तीन टर्म्स आ गई, ये टर्म इससे क्या हो गई, कैंसल। डी आर तो बहुत छोटा होता है तो डी आर का स्क्वायर तो बहुत छोटा है, निगलेक्टेड। क्या बना, सिग्मा इंटू एट पाई आर डी आर, तो डी आर से डी आर कैंसल, फोर पाई पाई से पाई कैंसल, पी का फॉर्मूला क्या आ गया, टू सिग्मा बाय आर, आर का मतलब ड्रॉप का रेडियस।
तो ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और होता क्या, एक्सेस प्रेशर पी इनसाइड माइनस पी एटमोस्फेरिक का फॉर्मूला 2T/R या 2σ/R। तो मैं रिपीट कर रहा हूँ, एक्सेस प्रेशर ने इमेजिन कर लो कि वर्क डन किया और dr जो है रेडियस को बढ़ा दिया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन है, उससे एनर्जी स्टोर हो गई, सिग्मा इनटू चेंज इन एरिया, इन्हें इक्वेट करके अपने आप वैल्यू आ गई एक्सेस प्रेशर की। ठीक, अब ये क्वेश्चन अगर किसका आता है, सो बबल का, ध्यान से पढ़ना पेपर में क्वेश्चन, बबल है कि ड्रॉप है, बबल में कितनी फ्री सरफेस है, बबल 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 अंदर एयर बबल है, अंदर भी एयर बाहर भी एयर, तो दो फ्री सरफेस हैं, तो कुछ नहीं करना, रिजल्ट को 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो सेम रिजल्ट जो अभी ड्रॉप का किया, फिर से सेम डायग्राम, फिर से पी एक्सेस प्रेशर कोई चेंज नहीं, फिर यहां पर कोई चेंज नहीं, जो आपने वर्क डन किया एक्सेस प्रेशर ने कोई चेंज नहीं, यहां पे चेंज, क्योंकि एरिया डबल चेंज हो रहा है, अंदर भी एरिया बढ़ रहा है और बाहर भी बढ़ रहा है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम इस 2 को छोड़ते हुए, और रिजल्ट भी 2 से मल्टीप्लाई हो गया, 2σ/R की जगह 4 कॉपी पेस्ट है, सेम रिजल्ट लिख दो 2 से मल्टीप्लाई करके, तो एक्सेस प्रेशर की वैल्यू आ गई इनसाइड अ बबल।